Bismillahirrahmanirrahim. We are studying the Gulistan of Saadi. First year, this is lesson number 8 in your book 1. I introduced you to this story in our previous lecture. If you have not watched that, go to the previous lecture. Link is there in the description below and watch that thoroughly. There you will be getting introduction of this short story and the beginning part of the translation. Here we are to start with the second parable. I have already told you that a parable is a story that delivers a moral lesson or a message. This is a deductive story. So let's formally start today's lecture. It is related that while a deer was being roasted for Nushirvan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. It is related, it is narrated, ये बयान किया जाता है that while a deer was being roasted, कि जब एक हरन भुना जा रहा था for Nushirvan, किसके लिए भुना जा रहा था? Nushirvan के लिए. Who was Nushirvan? The answer is he was a king of Persia. वो ईरान का एक बादशाह था, famous for his justice. वो बादशाह अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था. No salt could be found. तो हिरन बुरा जा रहा है लेकिन नमक नहीं मिला. हम लिखेंगे, कहा जाता है कि एक ईरानी बादशाह Nushirvan जो इंसाफ के लिए मशहूर था, उसके लिए एक हिरन भुना जा रहा था. उस वक्त नमक मौजूद नहीं था. A boy was sent to a village to bring some salt. एक लड़के को भेजा गया. कहाँ भेजा गया? A boy was sent to a village. एक गांव में भेजा गया. What was the purpose? Purpose उसका उस गांव में भेजे जाने का ये था to bring some salt, कि कुछ नमक लेकर आ जाए. The boy brought it. लड़का नमक ले आया. It यहाँ पे लिखा हुआ है. It pronoun is here being used for salt. And presented to the king. उसने नमक लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिया. Who asked whether he had paid for it. Now the question which is being asked by the king is very important. बादशाह ने क्या पूछा? उसने पूछा कि क्या वो लड़का नमक कीमत देकर खरीद कर लाया था. यानी वी कैन से बादशाह ने उससे पूछा कि क्या वो इसके पैसे देकर आया है. So this was the question. अब बादशाह इस बारे में क्यूरियस हो रहा है. एक छोटी सी चीज़ लाई जा रही है, सिर्फ नमक लाया जा रहा है, लेकिन बादशाह उसके बारे में दरियाफ्त कर रहा है कि कहीं बच्चा फ्री में नमक तो नहीं लेकर आ गया. क्या वो उसके पैसे देकर आया है? लड़के ने क्या जवाब दिया? लेट्स सी. नो सेड द बॉय. लड़के ने कहा नहीं, यानी वो रकम नहीं देकर आया था. वो नमक पैसों से खरीद कर नहीं लाया था. पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग. बादशाह ने कहा कि नमक की कीमत अदा करो. लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम. इससे पहले कि ये रवाज बन जाए. एंड द विलेज बी रूइंड. और गांव तबाह हो जाए. हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड. हैविंग बीन आस्क्ड जब पूछा गया. ये यहाँ पे पैसे वॉइस यूज़ हो रहा है. पूछे जाने पर कि व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड. कि इतनी छोटी सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा. बादशाह से पूछा गया कि इतनी मामूली सी चीज़ लेने पर क्या नुकसान हो सकता है. द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन was small in the world said the king. अब जो बादशाह ने यहाँ पे जवाब दिया बहुत अहम है. बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली थी. द फाउंडेशन बुनियाद, ऑपरेशन जुल्म, was small दुनिया में, इन द वर्ल्ड दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी. बादशाह ने ये जवाब दिया है. यहाँ पे दोबारा आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लें। हमने रिलेटेड पढ़ा यानी सेड या नरेटेड। हमने यहाँ पे ट्राइफलिंग पढ़ा। ट्राइफलिंग इज़ ऑर्डिनरी। रोइन का वर्ड आप देख रहे हो, रोइन इज़ टू डिस्ट्रॉय। एंड अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन इज़ क्रुएलिटी, जुल्म को कहते हैं ऑपरेशन। The king is here explaining whatever he said. He says, whoever enlarged it, whoever, this किसी ने भी, any person who enlarged it, enlarged is widened, वसी किया, जिस किसी ने भी इसको वसी किया, so that यहाँ तक कि it reached, ये पहुँच गया। बात किस चीज़ की हो रही है? ऑपरेशन की बात हो रही है, क्रुएलिटी की, जुल्म की बात हो रही है। यहाँ तक कि ये पहुँच गया, इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड, अपने मौजूदा जो उसका साइज़ है या हजम है उस तक पहुँच गया। इज़ एट फॉल्ट, उसका कसूर है, उसकी गलती है। एट फॉल्ट हेयर स्टैंड्स फॉर दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, उस बंदे की गलती है जिसने इसको बड़ा किया। इफ़ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, स्लेव्स विल पुल हिम अप द ट्री फ्रॉम द रूट्स। गोल्डन वर्ड्स हैं यहाँ पे जो नौशिरवां ने बोले। उसने कहा कि अगर बादशाह ईट्स खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, अपनी रियाया के बाग से एक सेब अगर एक बादशाह खा ले, हिज स्लेव्स, उसके गुलाम, विल पुल हिम अप द ट्री फ्रॉम द रूट्स, उस दरख्त को जिस पे सेब लगा हुआ था उस दरख्त को उसके गुलाम जड़ों से उखाड़ लेंगे या खींच के उखाड़ लेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही अहम बात, दिस हैपन्स इन द वर्ल्ड, कि अगर जो भी लीडर होता है अगर वो इस तरह की गलती करता है तो जो फॉलोअर्स हैं ऑब्वियसली उसी से गाइडलाइन लेते हैं और वो उससे भी बड़े लेवल की गलती करते हैं। या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है अगर वो गलती करता है तो फिर जो लोग उसके अंडर काम कर रहे होते हैं वो उससे भी बड़ी बड़ी गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। फॉर 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 folds on the spit. अगर बादशाह for 5 eggs, 5 अंडों के लिए, which the king allows, जिसकी बादशाह ने इजाज़त दी, to be taken by force, कि वो फोर्स के ज़रिए यानी ताकत के ज़रिए ले लिए जाएं और छीन लिए जाएं। द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, उसकी आर्मी के लोग, उसकी फ़ौज के लोग, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक उसकी फ़ौज से है, विल पुट 1,000 folds ऑन द स्पिट, वो हज़ारों मुर्गियों को सलाखों पर रख कर भून लेंगे। नौशिरवां ने जो कहा उसके अल्फाज यहाँ पे हमें फुल ऑफ विजडम नज़र आ रहे हैं और साफ नज़र आ रहा है कि उसने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। वी ऑलवेज सी सच थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अ टाइटन डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर। अ टाइरेंट, अ क्रूअल पर्सन, एक जालिम, डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, हमेशा दुनिया में नहीं रहता। यानी हर किसी को मरना होता है तो वो भी मर जाता है, हमेशा दुनिया में रहना पॉसिबल है ही नहीं और कोई भी जालिम भी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। बट द कर्स ऑन हिम, लेकिन उस पर जो इवल प्रेयर है या जो लान तान है, अबाइड्स, दैट रिमेन्स, दैट इज़ सस्टेनेबल, दैट रिमेन्स परमानेंटली देयर, फॉर एवर नहीं परपेचुअली, हमेशा के लिए, वो जो उस पर लान तान है वो उस पर हमेशा के लिए कायम रह जाती है। यानी टायरेंट जो है वो जालिम जुल्म को पीछे छोड़ जाता है, खुद दुनिया से जब चला भी जाए। तो नुशिरवान चूँकि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए मशहूर था, तो यकीनन वो अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से मशहूर था कि वो छोटी छोटी चीज़ों के हवाले से भी इंसाफ करना पसंद करता था और इस चीज़ का वो ऑर्डर देता था कि कहीं भी किसी किस्म का भी अदना सा भी जुल्म ना होने पाए। दिस वॉज पैराबल 2। नाउ कम टू पैराबल 3। ये थर्ड स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं। इस लास्ट स्टोरीज के अंदर आपको बताया था 3 पैराबल्स यानी 3 स्मॉलर स्टोरीज़ मौजूद हैं जिनसे हमें मॉरल लेसन्स डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं। अ किंग फेल सीरियसली, एक बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। सीरियसली वैसे तो आप संजीदा इसका तर्जुमा करते हो, लेकिन यहाँ पे सख्त है, स्वेयर है। एक बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, और उसकी सेहत की तमाम उम्मीदें वैनिश्ड यानी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो उसकी जो रिकवरी की उम्मीदें थीं वो ख़त्म हो गई। रिकवरी यानी उसका जो क्योर था या इज रिटर्निंग बैक टू हेल्थ, उसका सेहतियाब हो जाना, उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। द मोर द डिज़ीज़ वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। नोट द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अक्सर इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और ये काफ़ी ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लुक एट इट केयरफुली। द मोर द डिज़ीज़ वाज क्योर्ड, के बीमारी का जितना ज़्यादा इलाज किया गया, द मोर इट बिकेम पेनफुल, क्या हुआ वो उतनी ज़्यादा तकलीफ दे होती गई। एट लास्ट, आखिरकार। द फिजिशियंस एग्रीड। फिजिशियंस यानी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, मेडिकल डॉक्टर्स थे तो या हकीम थे, वहाँ पे हुक्मा ने एग्रीड रजामंदी का इजहार किया, वो इस बात पे राज़ी हो गए। दैट दिस डिज़ीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड। एग्रीड यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कन्विंस हो जाना या एक ही पॉइंट पे वो लोग आ गए, एक ही नुक्ते पे आ गए। वो नुक्ता क्या था? दैट दिस डिज़ीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड, कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वाय, यानी एक कंडीशन थी जिसके थ्रू बीमारी का इलाज हो सकता था और वो क्या थी? बाय मीन्स ऑफ बाइल, कि एक बाइल हासिल किया जाए। बाइल एक सब्ज़ी माइल जो है वो रुतबत है जो कि जिगर से निकलती है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो उन्होंने उसका बाइल जो है वो किसी का बाइल हो और किसका हो उसके लिए भी कंडीशन है। अ पर्सन इंड्यूड विद सर्टन क्वालिटीज़, ऐसा इंसान जिसमें सर्टन क्वालिटीज़ यानी कुछ ख़ास खूबियाँ जिसमें पाई जाएँ, कोई ऐसा इंसान हो। तो अब ये हुक्मा ने एक शर्त यहाँ पे सामने रख दी थी कि जब तक वो किसी मखसूस खूबियों वाले शख्स के बाइल यानी सुफरा को इस्तेमाल ना करें तो तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था। ऑर्डर्स वर इशूड, फिर हुक्म जारी कर दिया गया या हुक्म जारी कर दिए गए। टू सर्च, की तलाश की जाए। फॉर एन इंडिविजुअल, एक ऐसे फ़र्द की। ऑफ दिस काइंड, इसी जो कि इसी किस्म का हो। अ सन, एक बेटा। ऑफ अ फार्मर, एक किसान का। एक किसान का एक बेटा। वाज डिस्कवर्ड, ढूंढ लिया गया, उसका पता चला लिया गया। टू पोजेस, जो कि हामिल था, जो कि रखता था। द क्वालिटीज़, खूबियाँ। मेंशन बाय द डॉक्टर्स, वो खूबियाँ जो कि डॉक्टर्स ने बयान की थी, जो कि हुक्मा ने बयान की थी, वो खूबियाँ उसमें मौजूद थी। द किंग समंड द फादर, बादशाह ने समंड बुलावा भेजना, समंड बुला लिया, बुलावा भेजकर बुला लिया यानी मैसेज दे के बुला लिया। द फादर एंड मदर, किसको बुला लिया? लड़के के पेरेंट्स को। हुज कॉन्सेंट ही गॉट, कॉन्सेंट इज़ द परमिशन। हुज ह्यूमन बींग्स, ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। हुज कॉन्सेंट, जिनकी इजाज़त। ही गॉट, उसने हासिल कर ली। बाई गिविंग दैम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, कैसे हासिल की? बहुत ज़्यादा रकम देकर उसने उनकी इजाज़त ले ली। द काजी इशूड अ डिक्री, काजी ने एक डिक्री यानी ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया। उस हुक्मनामे में क्या था कि टू शेड द ब्लड, कि खून बहा दिया जाए ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, एक इंसान का खून बादशाह की सेहत के लिए बहा दिया जाए। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द अल्टर, अब लड़की को लाया जाता है। द बॉय वॉज ब्रॉट, हम अगैन पैसे वॉइस नोटिस कर लें, टू द अल्टर, उसे कुर्बानगाह की तरफ लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, हम जलाद को हुक्म दे दिया गया, एग्जीक्यूशनर यानी जलाद जिसने उसको कत्ल करना था उसको हुक्म दे दिया गया। वॉज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय, एक लड़के को ज़िबा कर दें। कितनी ख़तरनाक स्टोरी हो गई है, लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। सस्पेंस भी है और डेंजर भी है। क्या लेसन यहाँ से मिलेगा, लेट्स सी। व्हेन ऑल वॉज रेडी द बॉय लुक्ड टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल्ड, अब लड़का कोई आम इंसान होता तो वो इस सूरत हाल में खौफ सदा होता और काम रहा होता, लेकिन जो यहाँ पे लड़के का रिस्पॉन्स है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। उसने आसमान की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। यहाँ पे बादशाह भी बहुत हैरान हुआ। दैट बॉय वाज स्माइलिंग सो ही आस्क्ड व्हाई डू यू लाफ इन सच अ पोजीशन, तुम इस हालत में क्यों हंस रहे हो। द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। देखिए डायरेक्ट स्पीच कैसे यूज़ किया गया है। द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। इन्वर्टेड कॉमास में बात है, व्हाई डू यू लाफ इन सच अ पोजीशन, कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे जैसे यू का है सेकंड पर्सन यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो आप लड़के के लिए यू का वर्ड यूज़ नहीं करोगे। फॉर यू, यू विल बी एग्जामिनर, और आई वगैरह भी फर्स्ट पर्सन भी आप पेपर में यूज़ नहीं करोगे। मतलब अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिख रहे होगे तो आप यूज़ नहीं करोगे आई। आप किसके लिए यूज़ करोगे पेपर में, आई का मतलब होगा कि आप, यू का मतलब होगा एग्जामिनर, और बाकी सब लोग आपके लिए थर्ड पर्सन होंगे अगर आपने इनडायरेक्ट नरेशन में बात करनी है तो। द आंसर ऑफ द बॉय वॉज फुल ऑफ विजडम, ही सेड अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, एक बेटा अपने माँ बाप की तरफ उनकी मोहब्बत के लिए देखता है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती है, टू ब्रिंग द केस, कि वो मामला ले आएँ, बिफोर द काजी, काजी के सामने, टू सीक जस्टिस, इंसाफ हासिल करने के लिए। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे केस में, मेरे मामले में वालिदैन राज़ी हो गए हैं, मान गए हैं कि बच्चे का खून बहा दिया जाए। मेरे वालिदैन ने दुनिया का माल, यहाँ पे ट्रैश का वर्ड यूज़ किया है बच्चे ने, ट्रैश इज़ गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, हासिल करके मेरा खून बहाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। उसने ठीक कहा कि पेरेंट्स से इस तरह की चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती, और बच्चा वालिदैन की तरफ मोहब्बत के लिए देखता है। अगर कोई भी मसला हो, वालिदैन उसकी हेल्प ना कर पाएँ तो वो काजी के पास जाते हैं कि वहाँ जाके उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वालिदैन खुद मान गए हैं कि वो दुनिया का माल लेके बच्चे का खून बहाने पे, लड़के का खून बहाने पे तैयार हैं। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने हुक्म दे दिया है, एक फ़ैसला दे दिया है, किस चीज़ का, टू किल मी, मेरे कत्ल का। द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लेइंग, बादशाह को लगता है ही विल रिकवर, वो सेहतयाब होगा, हिज हेल्थ यानी उसे सेहतयाबी मिल जाएगी, ओनली थ्रू माई स्लेइंग, सिर्फ मेरे कत्ल से ही उसे सेहतयाबी मिलेगी। एंड आई सी नो अदर रेफ्यूज, और मुझे कोई और पनाहगाह नहीं मिल रही, देन गॉड ऑलमाइटी, खुदा ताला के अलावा मुझे कोई पनाह नज़र नहीं आ रही। टू हूम शैल आई कंप्लेन, मुझे किस से शिकायत करनी चाहिए, मुझे किस से गिला करना चाहिए। अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, तुम्हारे ब्रूटैलिटी यानी क्रूएलिटी, तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ मैं किस से शिकायत करूँ। इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस, फ्रॉम योर हैंड, अगर मैंने तुम्हारे हाथों से इंसाफ लेना हो तो तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ मैं किस से शिकायत करूँ। तो स्टूडेंट्स, हेयर कम्स द टर्न ऑफ द क्वेश्चन। टुडेज़ क्वेश्चन इज़ यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पर्सनस, या आपने उन लोगों के बारे में बताना है जिनको लड़का अपने ऊपर, जो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है। तो उन लोगों को आपने एनलिस्ट करना है कि उन लोगों को जो उसे बचा सकते थे लेकिन उसे बचा नहीं रहे, या यूजुअल सिचुएशन में जिनकी तरफ देखा जाता है कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आपने जो 2-3 नाम है वो आपने एनलिस्ट कर देने हैं कि उसने किस किस का नाम लिया था कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी उसके साथ हो रहा है उसके लिए। ये वाला जो आंसर है, जो नाम है, आपने कमेंट्स में अपने रोल नंबर्स के साथ अटेंडेंस में लिखने हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। जब लड़के ने इस तरह की बात बादशाह के सामने कह दी तो क्या असर होता है बादशाह पे, क्या उसे किस किस्म की डिपेंडेंस फील होगी, क्या वो अपना हुक्म जो उसने दिया है उस पर वो कायम रहेगा या उसको चेंज करेगा। तो हेयर इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स देयर। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, ये बात सुन के बादशाह परेशान हो गया या उसने परेशानी महसूस की। एंड ऑन हेयरिंग दिस वर्ड्स, ये अल्फाज सुनने पे ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। एंड सैड, उसने कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी, मेरे लिए बेहतर है टू डाई कि मैं मर जाऊँ। देन, कंपैरिजन वाला देन है, THE एंड देन तब या फिर वगैरह के लिए यूज़ होता है। कंपैरिजन के लिए हमेशा इस हवाले से केयरफुल रहा करें। अक्सर आप लोग THE एंड देन लिख देते हो, तो कंपैरिजन के लिए THE एंड। कहता है मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊँ बजाय इसके कि टू शेड द ब्लड, के मैं खून बहाऊँ, ऑफ एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय मेरे लिए मरना बेहतर है। ये किस द हेड एंड आइज ऑफ द बॉय, उसने लड़के के सर और उसकी आंखों को चूमा। एंड प्रेजेंटेड हिम विद लॉट ऑफ वेल्थ, उसे बहुत सामान दे दिया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, द किंग आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, के उसके बाद बादशाह भी एक हफ्ते में सेहतयाब हो गया। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इम्पॉर्टेंट इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अक्सर पहले रिपीट हुआ है, रिपीटेडली ये पहले दिया गया है पास्ट पेपर्स में, सो वी कैन कॉल इट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, एक और पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पिछली पैराबल में लास्ट पैराग्राफ था, जो कि स्टार्ट हो रहा था whoever enlarged it so that it reached its present magnitude। तो वो पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़रा फोकस कर लें। बाकी ट्रांसलेशन आपने ओवरऑल सारे टेक्स्ट की करनी है, दैट इज़ अ मस्ट। तो क्योंकि कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ उठा के आपको दिया जा सकता है, तो ट्रांसलेशन प्रिपेयर कर लें। बाकी द स्टोरी इज़ क्वाइट क्लियर, बहुत ही सिंपल स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की है और फुल ऑफ विजडम है। और हमारे लिए यहाँ पे हमें लेसन्स भी लर्न करने को मिल रहे हैं, जो कि जब हम एवरीडे लाइफ में ऐसी चीज़ें होते हुए देखेंगे तो हमें फ़ौरन से क्लिक किया करेगा और हमें याद आया करेगा, यस दैट वाज व्हाट वी स्टडी देयर इन दैट शॉर्ट स्टोरी। एंड इन दैट वे वी विल बी एसोसिएटिंग ऑल दिस विद आवर लाइव्स। स्टूडेंट्स, questions and MCQs are yet to be done, so the next lecture will be on questions and MCQs। आपने next lecture भी ध्यान से सुनना है, देखना है, क्योंकि उसमें मैं आपको जो आपके questions होंगे, objective questions, short questions, उनको थोड़ा सा आपको गाइडलाइन भी दूंगी कि कैसे वहाँ पे टेंस को यूज़ किया जा रहा है, और कुछ इम्पोर्टेंट आपको सजेशंस भी साथ साथ देती जाऊँगी कि कैसे आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द रीज़न इज़ के सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको ऑटोमेटिकली लेक्चर मिलता रहेगा, और सेकेंडली उसका ये फ़ायदा होगा सब्सक्रिप्शन का कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।